गुड मॉर्निंग, दिस इज रॉकिंग राकेश, सीधी बात में आपका स्वागत है। और आज का शीर्षक है मर्सिडीज। एक लड़का एक दफा स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले दोस्त से मिला। उसे देखकर हैरान रह गया, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दोस्त एक नई मर्सिडीज चमचमाती हुई वैन चला रहा था। दुखी हो गया मन अंदर से। उसने सोचा कि उसके दोस्त कहां कहां पहुंच गए जो उसके साथ पढ़ते थे। खुद को हारा हुआ सा मानने लगा, विक्टिम महसूस करने लगा। उसे जब दोस्त से बात हुई तो पता लगा उसका दोस्त एक ड्राइवर है जो अपने बॉस को लेने के लिए आया था उसके काम से। तो दोस्तों, आज की इस भागदौड़ में अक्सर हम दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं जानते कि किसकी क्या जर्नी है, कौन कितना बोझ लेकर चल रहा है। जो हमारे पास है उसका मजा लें। अब इसके पीछे एक जो चीज़ मैंने और पढ़ी साथ साथ, वो ये थी कि हमारे उपनिषदों में विद्या दो तरह की बताई है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। विद्या का मतलब है जब हम अपने आप को अंदर से जानते हैं, और अविद्या का मतलब है जब हम बाहर की साइंस को जानते हैं। भौतिक तल के लिए जो आवश्यक है उसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम अक्सर विकास कहते हैं, जिसको हम सुविधाएँ कहते हैं। हम लोगों ने चांद तक पहुँचने को सब कुछ मान लिया, लेकिन हम अपने आप तक नहीं पहुँच पाए, अपने आप को नहीं जान पाए। तो हम बाहर से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एक अलग तरह की विद्या है। उपनिषदों में उसे अविद्या कहा गया है, अज्ञान कहा गया है। और असली विद्या वो है जो हम अपने बारे में जानते हैं। इतनी अशांति, इतनी हिंसा किस लिए है? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोध बुरा है, हम जानते हैं कि आपस में प्रेम से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाहर की साइंस की, अपने अंदर की बात ही नहीं की कभी। तो दोस्तों, मैं आज इतनी ही बात कहूँगा कि अपने आप से बात करें, अपनी जर्नी को देखें, अपने अंदर तक कहां से उतर सकते हैं, अपनी गहराई में कितना जा सकते हैं, बजाय कि बाहर की गहराइयां और बाहर की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करें। और मैं ये मानता हूं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि बेटा, पहले अपनी मातृभाषा सीखो, फिर दूसरों की भाषाओं सीखो। दूसरी भाषाओं को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा देख लो पहले। अपने शरीर को तो समझ लो, अपने दिमाग को तो समझ लो। आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आप खुद भी नहीं जानते। तो अपनी जर्नी पे काम करें, अपने आप को देखें, उससे आपकी एनर्जी का ठीक इस्तेमाल होगा। हैव ए वंडरफुल डे। आई एम रॉकिंग राकेश, आई विल कीप कमिंग।